गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेज ऑफ संत माइकल एकेडमी छावनी बेतिया। माई सेल्फ एस के राय, योर फिजिकल टीचर, टू टीच यू फिजिकल एजुकेशन। टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वेरियस कमिटीज एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, विभिन्न समितियां एवं उनकी जिम्मेदारियां। फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, वेरियस कमिटीज आर फॉर्म्ड फॉर सिस्टमेटिक एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ कॉम्पिटिशंस और टूर्नामेंट्स। इनफैक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। जनरली देयर इज ए कमिटीज ऑफ मैनेजमेंट विच इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच इंस्टीट्यूशन कंसर्न। दिस जनरल कमिटीज टेक कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस ऑफ कंपटिशंस। दिस कमिटी ऑल्सो फॉर्म्स वेरियस कमिटीज एंड डिवाइड्स द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क अमॉन्ग देम। द जनरली कमिटी इज headed by an administrative director under whom executive committee performs its duties. Organizing committees for games, sports events works under executive committee. Various committees for organization of track and field meet or sports. Students, स्पोर्ट्स इवेंट को आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है ताकि प्रतियोगिता या टूर्नामेंट का कार्य संचालन सुव्यवस्थित और सरल रूप से किया जा सके। वास्तव में स्पोर्ट्स इवेंट्स के के आयोजन तथा कार्य संचालन के लिए अच्छे प्लानिंग या नियोजन तथा तैयारी की आवश्यकता होती है। सामान्यतः इसके लिए एक प्रबंध समिति, जो मैनेजमेंट कमिटी होती है, जिसमें प्रायः प्रत्येक संबंधित विद्यालय शिक्षण संस्थान से एक प्रतिनिधि शामिल होता है। यह प्रबंध समिति प्रतियोगिता की सफलता के लिए पूरी जिम्मेदारी लेती है। सामान्य समिति के शिखर पर एक प्रशासनिक निदेशक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है, जिसके नीचे कार्यकारी समिति अपने कर्तव्यों को निभाती है। खेल स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजन समिति कार्यकारी समिति के नीचे कार्य करती है। स्टूडेंट, आप देख रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, फिर उसके बाद एक्सिक्यूटिव कमिटी, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर गेम्स और स्पोर्ट्स में पब्लिसिटी कमिटी है, वोल्डिंग लॉजिंग कमिटी, रिसेप्शन कमिटी, डेकोरेशन सेरेमनी कमिटी, ट्रांसपोर्टेशन कमिटी, फिर उसके बाद ETC। दी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स मीट और स्पोर्ट्स इवेंट्स। वेरियस कमिटीज आर फॉर्म्ड अंडर दिस ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। दी डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस कमिटीज एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर स्टेटेड बिलो। स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स मीट या स्पोर्ट्स इवेंट के सफल और सहज प्रबंधन के लिए आयोजन समिति ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। आयोजन समिति के नीचे विभिन्न समितियां कार्य करती है, जिसका वर्णन निम्न लिखित है। सबसे पहले आप देखते हो कि कमिटी फॉर पब्लिसिटी। द कमिटी फॉर पब्लिसिटी अनाउंसेस द डेट, वेन्यूज एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, एडवांस इंफॉर्मेशन टू द इंस्टीट्यूशन एंड प्रिंटिंग एक्सेट्रा। इट्स मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एडवर्टाइज the sports events। सबसे पहले में क्या आता है इसमें? प्रचार समिति, पब्लिसिटी कमिटी। प्रचार समिति विद्यालयों को अग्रिम रूप से जानकारी भेजती है,
इस समिति का मुख्य कार्य स्पोर्ट्स मीट की तिथि, स्थान एवं प्रतियोगिता के इवेंट्स के बारे में सूचना भेजना है। यह समिति प्रिंटिंग का कार्य भी संभालती है और इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी स्पोर्ट्स इवेंट्स का प्रचार करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट कमिटी, यातायात समिति या इसको ट्रांसपोर्ट कमिटी। इस समिति के मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? तो इस समिति के मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न टीमों को स्पोर्ट्स इवेंट्स के स्थान एवं आवास के स्थान तक लाने और ले जाने की सुविधाएं प्रदान करती है, प्रदान करना है। यह समिति यातायात के लिए आवश्यक प्रबंध करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी, आवास और खानपान समिति, आवास तथा खानपान समिति, खिलाड़ियों एवं खेल अधिकारियों के ठहरने और भोजन का प्रबंध करने के लिए यह क्या करती है? आवश्यक व्यवस्था करती है। नेक्स्ट, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी, सजावट और समारोह समिति। सजावट और समारोह समिति खेल मैदान या स्टेडियम की सजावट के लिए उत्तरदायी होती है। यह समिति खेलों के उद्घाटन समारोह, पुरस्कार वितरण समारोह एवं समापन समारोह के लिए आवश्यक प्रबंध करने के लिए भी उत्तरदायी होती है। यह समिति ट्रॉफियों, मेडल्स, सर्टिफिकेट आदि का प्रबंध भी यह आपको सजावट और समारोह समिति ही करती है। उसके बाद आता है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमिटी, खेल मैदान एवं उपकरण समिति। यह क्या करती है? यह समिति खेल मैदानों की मेकिंग या ट्रैक एवं फील्ड को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होती है। यह समिति खेल प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स मीट से संबंधित खेल उपकरणों का आवश्यक प्रबंध भी करती है। नेक्स्ट, उसके बाद रिफ्रेशमेंट एंड इंटरटेनमेंट कमिटी। स्टूडेंट्स, रिफ्रेशमेंट और मनोरंजन समिति जो है मेहमानों, खेल अधिकारियों और प्रतियोगियों आदि को रिफ्रेशमेंट और ड्रिंक्स की आपूर्ति का कार्यभार संभालती है। उसके बाद आता है 7 रिसेप्शन कमिटी, स्वागत समिति। इस समिति के सदस्य उद्घाटन समारोह और समापन समारोह के अवसर वाले मुख्य अतिथियों एवं अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए उत्तरदायी होती है। उसके बाद कमिटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, एंट्री एवं कार्यक्रम समिति। यह समिति विभिन्न विद्यालयों को पहले एंट्री फॉर्म्स भेजती है तथा समय रहते उनको प्राप्त भी करती है। यह समिति एथलेटिक मीट की स्थिति में प्रतियोगियों को चेस्ट नंबर भी प्रदान करती है तथा हिट्स का भी प्रबंध भी करती है। कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के लिए समिति। यह समिति एथलेटिक मीट के लिए विभिन्न ऑफिशियल जैसे रेफरीज, जजों, रिकॉर्ड्स क्लर्क ऑफ द कोर्स, टाइमकीपर, ट्रैक एम्पायर्स, लैप स्कोरर्स आदि का चयन करती है। उसके बाद आता है अनाउंसमेंट कमिटी, उद्घोषण समिति। यह समिति मुख्यतः स्पोर्ट्स मीट या खेलों के दौरान विभिन्न घोषणाएं करने के लिए उत्तरदायी होती है। और लास्ट में आपका आता है फर्स्ट एड कमिटी। यह समिति मुख्यतः स्पोर्ट्स मीट या खेलों के फर्स्ट एड कमिटी, प्राथमिक चिकित्सा समिति। प्राथमिक चिकित्सा समिति के शीर्ष पर एक अच्छा शिक्षित डॉक्टर होता है। यह समिति घायल या प्रभावित खिलाड़ी एथलीट को तुरंत प्राथमिक सहायता प्रदान करती है। यह समिति स्पोर्ट्स इवेंट के आयोजन से पूर्व प्राथमिक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रबंध करती है, क्योंकि एथलीटों या खिलाड़ियों की प्रतियोगिता के दौरान चोट लग सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।